أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, I am Amar Shahid. इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स 12.8, 12.9, 12.10 और 12.12 तक करेंगे. ये सारे ही न्यूमेरिकल्स लेंस के रिलेटेड हैं. तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड जो एक फार्मूला है उसे पढ़ेंगे कि वो फार्मूला क्या होता है. उसे लेंस फार्मूला कहते हैं, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. और इसके साथ साथ हम साइन कन्वेंशंस भी पढ़ेंगे. ये ऊपर वाला फार्मूला है, इसमें f रिप्रेजेंट करता है फोकल लेंथ को, p रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, और q रिप्रेजेंट करता है इमेज डिस्टेंस को. हमने f को कब पॉजिटिव रखना है, p को कब पॉजिटिव या नेगेटिव रखना है, या q को पॉजिटिव या नेगेटिव कब रखना है, इसके लिए कुछ साइन कन्वेंशंस हैं. हम उन साइन कन्वेंशंस को सबसे पहले देखते हैं. साइन कन्वेंशंस फॉर लेंसेज. सबसे पहले हमें समझना है कि कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगी. ये बात हमें सबसे पहली बात हमें समझनी चाहिए और याद रखनी है. इसी तरह से दूसरी बात ये कि अगर ऑब्जेक्ट जैसे लिखा हुआ है पी इज़ पॉजिटिव इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, इट इज़ अ रियल ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर होगा तो पी पॉजिटिव होगा, सही है. इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड पर होगा तो पी नेगेटिव होगा. जैसे ये एग्जांपल है, इस केस में ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर है, डेट्स वाई हम ये कहेंगे कि पी की वैल्यू जो भी है, इनका डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगा. इसी तरह से ये एग्जांपल में भी ये ऑब्जेक्ट है, ये लेफ्ट साइड पर पड़ा हुआ है, इस सूरत हाल में भी जो पी की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी. सिमिलरली ये एक और एग्जांपल है, इसमें आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के लेफ्ट साइड पर पड़ा हुआ है, इसलिए ऑब्जेक्ट की जो पी की वैल्यू वो हमारे पास पॉजिटिव होगी. इसी तरह से इमेज डिस्टेंस यानी क्यू के लिए हमारे पास क्या साइन कन्वेंशन हैं. इसके लिए ये कन्वेंशन है कि अगर तो इमेज राइट साइड पर होगा तो इट मीन्स डैट के क्यू पॉजिटिव होगी. इसी तरह से अगर इमेज लेफ्ट साइड पर होगा तो क्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी. जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें ये जो येलो कलर से हमारे पास ऑब्जेक्ट का इमेज नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं कि जो इमेज है वो राइट साइड पर है, इसलिए यहाँ पर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी. लेकिन इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं कि जो ये जो इमेज है ये लेफ्ट साइड पर है, इसलिए यहाँ पर क्यू की वैल्यू नेगेटिव है. सिमिलरली इस केस के अंदर भी जो इमेज है वो कौन सी साइड पर, लेफ्ट साइड पर है, इसलिए यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी. ये कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है क्वेश्चंस करते हुए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट 12.8 करते हैं जो कि इसके रिलेटेड है, लेंस के रिलेटेड है. हम पढ़ते हैं इसे. एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द पोजिशन एंड द साइज ऑफ द इमेज. Also state the nature of the image. जैसे कि अब ये अभी जो भी हमने क्वेश्चन पढ़ा है इसकी पहले रे डायग्राम देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है और हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले रे डायग्राम, आप देख रहे हैं कि ये कन्वेक्स लेंस है और इसकी फोकल लेंथ क्या है हमारे पास, ये फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है. ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट के नतीजे में ये एक इमेज बन रहा है, ठीक है. सबसे पहली चीज़ ये ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है हम जानते हैं वो फोकल लेंथ होती है, वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर. अब चूंकि ये कन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहा है इसलिए यहाँ फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी. इसी तरह ऑब्जेक्ट का और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान डिस्टेंस क्या है, पी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स हैं. सिमिलरली ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर है. हमें फाइंड आउट करना है कि जो इमेज यहाँ बन रहा है इसका डिस्टेंस कितना है, सिमिलरली जो इमेज है उसकी हाइट कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है. गिवन डाटा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हाइट 4 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ आपके पास 8 सेंटीमीटर है. हमें मालूम करना है इमेज डिस्टेंस यानी क्यू मालूम करना है, इमेज हाइट एच आई मालूम करनी है, और इमेज की जो नेचर है वो क्या है वो फाइंड आउट करनी है. सोल्यूशन, सबसे पहले इमेज डिस्टेंस के पर आते हैं. हमारे पास फार्मूला है लेंस फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. इसे रीअरेंज करेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे, फाइनली हमारे पास q की वैल्यू 24 सेंटीमीटर्स आ जाएगी.
इमेज हाइट, जैसे कि हम प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में भी हम पढ़ चुके हैं कि एच आई ए और एच ओ इक्वल टू क्यू ओवर पी होता है, ये कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है जो आपने सिलेबस में पढ़ा हो, लेकिन हम देखते हैं कि जितना किसी चीज़ का हाइट होती है या किसी इमेज की जो हाइट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके डिस्टेंस के साथ, इसलिए हम एच आई के सामने यानी हाइट ऑफ इमेज के सामने डिस्टेंस ऑफ इमेज लिखते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के सामने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये हमारे पास जो फार्मूला है ये रेशियोज़ के थ्रू आता है, ठीक है। एच आई और एच ओ इक्वल टू क्यू ओवर पी, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ रीअरेंज करने के बाद एच आई हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू ओवर पी इंटू एच ओ आ जाएगा। अच्छा, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फाइनली हमारे पास इमेज की हाइट 8 सेंटीमीटर्स आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि इमेज जो हमारे पास बना है उसकी नेचर क्या है। आप जैसे कि क्वेश्चन जैसे कि आंसर से भी देख सकते हैं कि जो सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर थी और इमेज की हाइट 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहली बात जो ये हमें समझनी है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से दो गुना है। दूसरे अल्फाज में मैं यूँ कहूँगा कि इमेज ऑब्जेक्ट से दो गुना यानी बड़ा बन रहा है। डैट्स वाई इमेज की जो पहली खसूसियत है वो क्या, ये मैग्नीफाइड है। अब आप रे डायग्राम से देखें तो ये जो इमेज बन रहा है ये रियल लाइंस को मिलाने से बन रहा है, इसलिए इमेज जो फॉर्म होगा वो भी रियल होगा। और दूसरी बात जो ये है इमेज की नेचर में, वो ये जो इमेज बन रहा है वो इन्वर्टेड है ना कि अपराइट है, इसलिए हम ये कहेंगे जो इमेज बन रहा है उसकी उसकी जो नेचर के हवाले से तीन बातें कि इमेज फॉर्म इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। इसी तरह से 12.9 न्यूमेरिकल देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ इमेज। ओके, यहाँ हमारे पास सबसे पहले हम रे डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस से पहली बात जो हमें समझनी है वो यहाँ के फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होगी। ओके ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं और अल्टीमेटली हमारे पास इमेज यहाँ पर बन रहा है। ओके गॉट इट। अब जो गिवन डाटा है सबसे पहले वो देखते हैं, फोकल लेंथ यानी ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ वो 15 सेंटीमीटर है, बट हम यहाँ पे माइनस 15 लिखेंगे इसलिए कि ये कनकेव लेंस है। सिमिलरली ऑब्जेक्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। हमें मालूम करना है जो इमेज बन रहा है यहाँ पर इसकी हाइट क्या है और इसी तरह से इमेज का डिस्टेंस क्या है, ये हमें मालूम करना है। तो गिवन डाटा में पी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हाइट एच ओ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ माइनस 15। यहाँ पर लिखा हुआ है नेगेटिव साइन विद फोकल लेंथ इंडिकेट्स दैट द लेंस इज कनकेव लेंस इज बीइंग यूज्ड। इसी तरह से फाइंड आउट हमें करना है इमेज डिस्टेंस और इसी तरह से इमेज की हाइट और ये बताना है कि इमेज की नेचर क्या है, ठीक है। इमेज डिस्टेंस सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। इसके अंदर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट के बाद हम रीअरेंजमेंट के बाद और सॉल्यूशन के बाद सॉल्व करने के नतीजे में क्यू इज इक्वल टू -8.57 सेंटीमीटर आ जाएगा। -8.5 सेंटीमीटर ये तो हमारे कैलकुलेशन का भी नतीजा है, लेकिन क्योंकि माइनस साइन आ रहा है तो यहाँ से एक बात हमें समझनी चाहिए कि इसका जो आंसर है वो इमेज बन रही है वो रियल नहीं है बल्कि वर्चुअल इमेज बन रही है। सिमिलरली अब हम इमेज की हाइट की अगर हम बात करें तो एच आई ओवर एच ओ किसके इक्वल होगा, क्यू ओवर पी। तो एच आई किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई बाई एच ओ। वैल्यूज पुट करेंगे तो 4.828 सेंटीमीटर्स ये आ जाएगा। अब हम देखते हैं जो इमेज बन रहा है उसकी खसूसियात क्या क्या, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है या उसकी नेचर क्या है। सबसे पहले तो ये देखें, आप जैसे कि डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड नहीं है बल्कि अपराइट है, यानी सीधा इमेज बन रहा है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर ये अपराइट भी कह लेंगे इसे इरेक्टेड भी कह लेंगे। दूसरी बात ये कि ये जो इमेज है ये रियल में नहीं बन रहा बल्कि एक वर्चुअल इमेज बन रहा है। और तीसरे नंबर पर ये डिमिनिश हो गया है, डिमिनिश का मतलब होता है छोटा, अपने असल साइज़ जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है उससे इमेज छोटा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का साइज़ था 10 सेंटीमीटर लेकिन इमेज बन रहा है 4.28 सेंटीमीटर्स, इसलिए हम लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इरेक्टेड एंड डिमिनिश्ड। सिमिलरली
आगे सिमिलरली 12.10 है, इसको हम देखते हैं. अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज टू बी यूज टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर मस्ट बी द लेंस प्लेस्ड. ओके, इसकी रे डायग्राम्स बनाते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं. आप देख रहे हैं यहाँ पर कन्वेक्स लेंस पड़ा है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ गिवन है. ओके अच्छा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं गिवन, लेकिन मैं इसको यहाँ पर सिचुएट कर रहा हूँ. इस क्यों सिचुएटेड यहाँ पर है कि वर्चुअल इमेज बनने, कन्वेक्स लेंस के केस में वर्चुअल इमेज बनने की एक ही सूरत हो सकती है, और वो ये सूरत है कि आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर्स के इन बिटवीन पड़ा हो. अदरवाइज अगर फोकल लेंथ पर पड़ा होगा तो फिर तो इमेज ही नहीं बनेगा. अलबत्ता 2F और F के दरमियान बना होगा तो आपका इमेज तो ज़रूर बनेगा, लेकिन वो दूसरी साइड पर बनेगा और रियल इमेज बनेगा. इसी तरह से वर्चुअल इमेज बनाने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो ये कि आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ में पड़ा हो, के इन बिटवीन पड़ा हो. अब जैसे कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ से रे निकलेगी और ये आ जाएगी. इन्हीं रेज को अगर हम ट्रेस बैक करें तो ये पीछे करके एक बड़ा इमेज बन रहा है, लेकिन ये इमेज की खसूसियत ये है कि ये वाला इमेज वर्चुअल इमेज है. ठीक है, ओके अब हम आगे चलते हैं. जैसे कि गिवन है कि फोकल लेंथ कितनी 6 सेंटीमीटर है. सिमिलरली उन्होंने खुद ये बता दिया कि आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो 3 times है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के. ठीक है, सिमिलरली आप मालूम हमें ये करना है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा. ठीक है, ओके, फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, क्यू इज इक्वल टू -3P हम लिखेंगे. माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल है और वो लेफ्ट साइड पर है, जैसे कि हम शुरू में ही पढ़ लिया था. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी पी हमें मालूम करना है. सॉल्यूशन, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना है. अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आना है. बहरहाल 1/F इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q वैल्यूज पुट करेंगे और थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर आ जाएगा रिजल्ट. सो द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. अच्छा, इसी तरह से 12 न्यूमेरिकल करते हैं. द पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज 5 diopter. ओके, एंड एट वट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस सो डैट इट्स इज रियल एंड 2 times लार्जर इमेज इज फॉर्म्ड. रे डायग्राम आप देख रहे हैं, एक कन्वेक्स लेंस है. कन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो 5 diopter है. सिमिलरली इसकी अगर हम रे डायग्राम की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को एक खास जगह पर हमने सिचुएट किया है और इमेज जो बन रही है वो इसकी 2 गुना है, मीन्स दैट डबल इसकी हाइट और डबल इसका डिस्टेंस है. चलिए बहरहाल फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर. ये फोकल लेंथ कैसे आ गई, हम जानते हैं कि जो पावर का जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं. ठीक है ना, या फोकल लेंथ को अगर हम 1/F कर दें तो पावर आ जाता है. तो 1/5 पावर, 1/P किसके इक्वल आ जाएगा, फोकल लेंथ, और वो 0.2 meters के, और उसको अगर हम सॉल्व करेंगे 20 सेंटीमीटर्स आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह से जो आपके पास इमेज का डिस्टेंस है वो आपके ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के डबल है, यानी क्यू इज इक्वल टू 2P है. इसी तरह से हमें मालूम ये करना है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है. ओके, गिवन डेटा, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 5 diopter, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 2P. हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम करना है. फोकल लेंथ, सबसे पहले फोकल लेंथ मालूम करेंगे. पावर ऑफ लेंस इक्वल टू पी इक्वल टू 1/F, ये हम जानते हैं. तो 1/F इक्वल टू 1/P आ जाएगा. पी की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/5 एफ इक्वल टू 0.2 meters आ जाएगा. हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ज़्यादातर फोकल लेंथ या जितना भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं वो सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं, इसलिए 0.2 meter को हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 20 सेंटीमीटर्स आ जाएगा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1/F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q वैल्यूज पुट करेंगे और फाइनली हमारे पास इसको सॉल्व करके पी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ जाएगा. और हम यही रिजल्ट है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, हेंस द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर्स. और होप सो लेंस के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको समझ आएंगे होंगे, दुआओं में याद रखें.
Thanks for observing.